अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको डबल सूट की कटिंग सिखाएंगे। सबसे पहले हम शमीज कटिंग करेंगे। तो नीचे हम हमने बनाना है गरारा, तो कमीज की लंबाई हमारी आएगी 30 इंच। तो सबसे पहले हम शमीज कटिंग करेंगे। ये हमने शमीज के लबाव का निशान लगाया है, 1.5 इंच हम निकाल कर 30 इंच पे निशान लगाएंगे। शमीज कमीज से 1.5 इंच छोटी होगी। उसके बाद केयर के साथ हम निशान लगा देंगे। शोल्डर है हमारा 13 इंच, तो हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर हमारा मार्जिन जाएगा दबाव का। उसके बाद 7 इंच हमारा कंधा डाउन होगा और इधर से भी हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। और चेस्ट हमारी है 16 इंच, तो 16 इंच का हम हाफ करेंगे तो 8 इंच आएगा। और हमारी जो साइड है वो है 12 इंच, 12 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर हमारी 13.5 इंच पर आएगी। उसके बाद कमर हमारी है 15 इंच, 15 इंच का हम वॉक करेंगे तो 7.5 आएगा। और हिप्स हमारी है 17 इंच, तो 17 का हम हाफ करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। उसके बाद जो हमारा गेयर है वो है 19.5 इंच। ठीक है, अब हम गेयरे का निशान तो हिप के निशान के साथ मिलाएंगे। उसके बाद हम ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। चेस्ट और कमर की फिटिंग का निशान लगाकर अब हम कंधे का निशान लगाएंगे। इसे गुलाई देंगे। कंधा हमारा है 8.5 इंच पे हम कटिंग करेंगे। अब हम कटिंग करेंगे उसके बाद बैक हमारी 1 इंच फॉर 2 आएगी। उसके बाद हम ये चेस्ट और हिप्स के निशान पर कट लगाएं। गाइस, ये हमारी शमीज कटिंग हो चुकी है, तो अब हम इसकी कमीज कटिंग करेंगे। गाइस, हम इसको सबसे पहले प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसे हम कटिंग करेंगे। अब हमने ये कमीज बिछा ली है, तो अब हम इसकी शमीज को ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो गला हमारा ऊपर आएगा और गले से 1/2 इंच हमारा शमीज फालतू होगी ऊपर से। रखने के बाद इसे हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल बराबर रखना है, शमीज को कमीज के साथ बराबर काट लेना है। बराबर करने के बाद अब हम इसे साथ साथ कटिंग करेंगे।
उसके बाद हम उसे कट्स लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है, अब हम इसकी बैक कटिंग करें। तो गाइस अब हम इसको बैक इसकी कटिंग करेंगे, इसे भी हम फ्रंट की तरह बिल्कुल आपस में बराबर रखेंगे। शूज को तो इसके साथ बिल्कुल बराबर रखकर साथ साथ कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक कटिंग हो चुकी है, हम इसके बाजू कटिंग करें। तो गाइस अब हम इसे दोनों बाजू हमने उचार लिए हैं। तो एक दूसरे के ऊपर हम दोनों बाजू रख लेंगे। बाजू रखने के बाद अब हम साढ़े 20 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 4 इंच हमारा बाजू डाउन होगा, उसके बाद कंधा तक हमारा 8 इंच, ये हम रखेंगे 7 इंच, 1 इंच हम कम रखेंगे। उसके बाद हमारा ये बाजू होल है, ये हमारा 6 इंच है। उसके बाद हम ये स्केल के साथ बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम ये कटिंग करेंगे। उसके बाद हम ये कट्स कंधे पर बाजू। तो ये गाइस हमारे बाजू की कटिंग हो चुके हैं।